गुजरात की कर लेते हैं, जहां पर आज भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण होना है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की गांधीनगर में भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। शपथ ग्रहण समारोह की दिव्य तस्वीरों को, भव्य तस्वीरों को अगर आपको समझना है तो गुजरात के उस शून्य से शिखर के सफर को समझना होगा, जहां पर बीजेपी शून्य से लेकर 156 के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े को छू चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह कुछ देर में शुरू हो जाएगा। दोपहर 2 बजे तक की ये समय सीमा यहाँ पर तय की गई है, जब तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन इस बीच आप समझिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भूपेंद्र, और ठीक वैसे ही हुआ। 156 का आंकड़ा, ना सिर्फ बीजेपी ने अपना वो रिकॉर्ड तोड़ा जो 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल करके पाया गया था, बल्कि 1985 का वो 149 वाला आंकड़ा भी एक पल में यहां पर टूटता नजर आया। हालांकि इसके पीछे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ के जो 33 जिले हैं, उसके लिए दिन रात यहां पर गुजरात में बीजेपी को करने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलियां की, यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जब आप जीत के आंकड़े निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 30 से ज्यादा रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में की, जिनमें 14 जिले थे। इनमें से आपको बता दें कि 87 से ज्यादा यानी कि सीटें ऐसी रही जिनमें से 90 से 95% जीत यहां पर बीजेपी के खाते में आई, यानी कि 71 सीटें यहां पर सीधे सीधे बीजेपी ने अपने नाम कर ली। वहीं अमित शाह ने भी 33 जनसभा, रोड शो यहां पर किए। देखिए, इन्हें बताना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भूपेंद्र और नरेंद्र की जोड़ी ने वो कमाल कर दिया जिसके बारे में राजनीतिक विश्लेषक भी भौचक्के रह गए, क्योंकि जरा भी ग्राफ गिरता तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती थी। लेकिन ग्राफ यहां नहीं बल्कि यहां पहुंच गया, और यही वजह है कि शपथ ग्रहण समारोह की ये सबसे भव्य तस्वीर यहां से निकलकर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी दिनेश नागर आपको यहां पर दिखा रहे हैं शपथ विधि समारोह, जो कि अब यहां पर शुरू होगा। हालांकि अभी कार्यकर्ता, समर्थक, जो स्थानीय लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे वो केंद्रीय मंत्री भी यहां पर आएंगे, अमित शाह आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, इसके अलावा तमाम दिग्गज भी यहां पर आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। साथ ही वो चेहरे भी नजर आएंगे जिन्हें दावेदारी के तौर पर बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा था और जिन्होंने जीत हासिल की और जो कैबिनेट का हिस्सा भी हो सकते हैं। जनक से हम जरूर जानेंगे इस बारे में कि आखिर किस तरह से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं, मंत्रिमंडल का ये पूरा चेहरा हो सकता है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि किस तरह से जनक हमें अब बताने जा रहे हैं। जनक, देखिए किस तरह से ये पूरी कैबिनेट यहां पर नजर आएगी, किस तरह से आज की तस्वीर सबसे ज्यादा भव्य होने वाली है। देखिए सबीना, आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर 3 मंच है। वहां पर जो सेंटर में मंच है वहाँ पर गवर्नर और मुख्यमंत्री बैठेंगे, और एक मंच है जहाँ पर पीएम और पूरे जो इनवाइटीज़ हैं वो बैठेंगे, और दूसरा एक मंच जहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई है 25 जितनी, वहाँ पर जो मंत्री बनने जा रहे हैं केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री होंगे और साथ में जो राज्य कक्षा के मंत्री होंगे वो वहाँ पर होंगे। सबसे पहला नाम होगा उसमें वित्त मंत्री के तौर पर कनु देसाई का, दूसरा नाम होगा ऋषिकेश पटेल का, तीसरा नाम होगा बलवंत देसाई का, चौथा नाम होगा राघव जी पटेल का, पाँचवा नाम होगा मूलू बेरा का, छठा नाम होगा कुंवर जी बावड़िया का। तो ये 6 जो नाम हैं वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर, भानुबेन बावड़िया 7वां नाम होगा, भानुबेन एक ही महिला है जो मंत्री के तौर पर आज शपथ ले रही है। पिछले जो सरकार थी उसमें 2 महिलाएं थी, इस बार हालांकि वो दोनों MOS थी, इस बार पहली बाबूबेन भानुबेन बावरिया है वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर लौटेंगे। और तफसील से आज गुजरात की इस सियासी तस्वीर को यहां पर आपसे समझेंगे भी, जानेंगे, क्योंकि अगर आप इन शपथ ग्रहण की तस्वीरों को महज संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर देखेंगे तो आपको ये सामान्य शपथ ग्रहण प्रक्रिया नजर आएगी, लेकिन जब आप गुजरात की सियासत को समझते हुए इस तस्वीर को देखेंगे तो आप
आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से गुजरात के जो नतीजे यहाँ पर सामने आए हैं उसने आने वाले वर्तमान को दिखाते हुए भविष्य की वो सियासी तस्वीर सामने लाकर रख दी है, जो कि अब बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो वो बड़े लार्ज स्केल के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी एक मिसाल यहाँ पर बन चुके हैं। देखिए इन तस्वीरों को जो इस वक्त हम आपके सामने दिखा रहे हैं उससे आप समझिए, जब आप गुजरात की सियासत को समझते हैं तो आपको चार हिस्सों को समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला उत्तर गुजरात जहाँ के 6 जिले आते हैं, इसके बाद मध्य गुजरात जहाँ के 8 जिले आते हैं, दक्षिण गुजरात जहाँ के 7 जिले आते हैं, सौराष्ट्र एवं कच्छ जहाँ के 12 जिले आते हैं, और कुल मिलाकर ये 33 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। पिछले बार के नतीजे यानी कि 2017 के नतीजों पर नजर डालेंगे तो हर जगह बीजेपी को कम सीटें हासिल हुई, जीत जरूर हुई। देखिए 99 का आंकड़ा बीजेपी ने हासिल करके जीत लिया, लेकिन जो चुनौती उसे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस से मिली वो भी टक्कर वाली थी, कांटे की टक्कर वाली थी। इसलिए बीजेपी अपनी उस जीत से खुश होकर भी अंदर खेमे बताया जाता है कि आने वाले उन 5 सालों की तैयारी कर रही थी। वो सर्वे हुए, जन जन के बीच में जाकर वो सवाल पूछे गए कि आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2014 में राज्य स्तरीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ गए तो गुजरात के वासी बहुत खुश थे। हाँ, उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री उन्हें जरूर खुद से दूर किया, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो पीएम बाद में है, पहले हमारे बेटे हैं, भाई हैं, हमारे बंधु हैं, इसीलिए हम उनसे कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए हमें खुश है कि हमारे राज्य का एक बेटा सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है, देश का प्रधानमंत्री यहां पर बना है। लेकिन जब 2017 के नतीजे सामने आए तो हर कोई चौंक गया, आखिर ऐसा क्या हो गया जो 115 के बाद 99 यहां पर बीजेपी को झेलना पड़ा। 2012 115, उसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या किसी तरह से जो नीतियां यहाँ पर सामने आ रही हैं उसमें कमी रह रही है। अब उन्हीं तमाम कमियों को पार करते हुए बीजेपी ने 156 का ये सबसे बड़ा आंकड़ा चू लिया है। इस बीच तमाम तरह के रिएक्शन हमारे पास आ रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भूपेंद्र पटेल और उनकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए आप भी। हम सबको एक ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और इसके लिए मैं गुजरात की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने जैसे सहयोग की है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी जो मेहनत की है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वरिष्ठ नेताओं ने यहां आकर मेहनत की है, सब लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। तो गुजरात के 33 जिलों की अमूमन ज्यादातर सीटों को जीतते हुए 55% वोट शेयर जो बीजेपी ने अपने नाम किया है वो बीजेपी ने बताया है कि गुजरात में दिन रात का ये पूरा खेल चला, ना सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार बल्कि जनता के बीच जाकर ये समझना कि आखिर जनता ने इन 5 सालों में क्या पाया और जनता 5 सालों के भविष्य में क्या कुछ पाना चाहती है। 27 साल का कब्जा, 5 साल और एड ऑन कर लीजिए यानी 32 साल अब बीजेपी के पास यहाँ पर सीधे सीधे मौजूद नजर आते हैं। मेरे सहयोगी दिनेश नागर आपको ये सीट दिखाएंगे, फिलहाल आपको ये अभी सीटें खाली दिखाई दे रही होंगी, लेकिन बीजेपी ने जनता के दिलों पर राज करते हुए ये सीटें यहां पर हासिल कर ली है, जहां पर 6 जिले 32 सीटें गुजरात यानी उत्तर गुजरात की, जहां बीजेपी ने 22 सीटें इस बार हासिल की है वो भी 32 में से, सोचिए 7 जिले 35 सीटें दक्षिण गुजरात की जहां 33 सीटें इस बार बीजेपी को मिली है, पिछली बार महज 25 मिली थी, एक बड़ा उछाल। 8 जिले 61 सीटें यहां पर मध्य गुजरात की जहां 55 सीटें इस बार बीजेपी को मिली और पिछली बार महज 37 सीटें यहां पर मिली थी। वहीं पर सौराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सौराष्ट्र एवं कच्छ के 12 जिले की 54 सीटों में 46 सीटें इस बार बीजेपी को मिली हैं और साथ ही पिछली बार महज 23 सीटें मिली थी। और इसके साथ साथ तमाम रिएक्शन भी हमारे पास आ रहे हैं, उन रिएक्शन की तरफ भी रुख करेंगे। बधाइयों का तांता यहां पर लग रहा है क्योंकि एक शानदार जीत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो चुकी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत गांधीनगर पहुंच चुके हैं और इस ऐतिहासिक जीत के लिए उन्होंने यहां पर पूरी टीम को बधाई दी है। अब देखिए आत्ममंथन तो करना ही चाहिए, एक राष्ट्रीय दल और कहां से कहां पहुंच गया, तो विपक्ष होने के नाते भी हम ये जरूर चाहेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस की जो हालत हुई है उसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। और गुजरात
गुजरात की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको तक पहुंचा दें। कैबिनेट की बैठक यहां पर शाम 5 बजे बताया जा रहा है की जाएगी। दोपहर 2 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह की संवैधानिक प्रक्रिया यहां पर देखने को मिलेगी, जिसकी तैयारियां हम दिखा चुके हैं। कौन से वो दिग्गज होंगे वो भी सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताया गया है। अब 5 बजे बताया जा रहा है आज शाम कैबिनेट की बैठक यहां पर होने वाली है। यह बड़ी खबर गुजरात की सियासत से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। देखिए, गुजरात की सियासत में इस बार बीजेपी ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले जब वो सियासी तूफान आया था विजय रूपाणी को लेकर, तब जरूर कई सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल को सत्ता की चाबी सौंपी गई। उसके बाद देखिए, दूसरी बार अब भूपेंद्र पटेल जो है वो शपथ ग्रहण करते हुए दोपहर करीब 2 बजे यहां पर नजर आ जाएंगे। और कैबिनेट की बैठक को लेकर जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, क्या कुछ पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है? 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, क्या तस्वीर? देखिए सबिना, एक रस्म अदायगी के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। जब भी आप शपथ लेते हैं तो जो मंत्री शपथ लेते हैं उनको जो जो मंत्रालय दिए जाना होता है उसके लिए वो कैबिनेट मिलती है। तो आज जो शाम 5 बजे में कैबिनेट होगी, उसमें जो सारे मंत्री जिन्होंने शपथ ली है उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जो जानकारी है सबिना, उसके मुताबिक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्री, वो वही कनु देसाई के साथ रहेगी। उसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ऋषिकेश पटेल के पास रहेगा। पानी आपूर्ति मंत्री के तौर पर कुंवर जी बावड़िया रहेंगे। उसके अलावा जो जानकारी आ रही है उसके जी, तो उसके अलावा जो गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री के तौर पर हर्ष संघवी दोबारा उस चार्ज को संभालेंगे। तो ऐसे जो नाम, जो जानकारी आ रही है, शाम को 5 बजे जो कैबिनेट बैठक होगी लौटेंगे आपके पास जनक, जरूर लौटेंगे। एक बार फिर से इस तस्वीर को यहां पर समझने की कोशिश आपके जरिए दर्शकों तक जरूर करेंगे। तो साल 2002 जब बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की सत्ता कमान अपने हाथ में संभाली और अब देखें किस